कराची में एक बहुत बड़ी हमाकत हो गई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, और वो हमाकत ये हुई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, टॉप 5 क्रिकेट बोर्ड्स के अंदर आते हैं और आपसे ये हमाकतें हो रही हैं। ये छोटी छोटी वो चीजें हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की क्रेडिबिलिटी को डाउन करती हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट के जो प्लेयर्स हैं उनको भी चाहिए कि वो इस लेवल पे आए कि हम बाबर आजम रिजवान और शाहिन शाफरीदी करें। अब्दुल्ला शमी का क्या कसूर है कि वो अगले साल 2 टेस्ट मैचेस का सिर्फ वेट करेंगे? इतना बड़ा गैप उनकी परफॉर्मेंस में आ जाएगा फिर आप उससे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो परफॉर्म करके दिखाए? ऐसा नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शमशेर खान नियाजी और आप देख रहे हैं 7X न्यूज। दोस्तों, दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें करनी है पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि क्रिकेट का सीजन दोबारा स्टार्ट होने लगा है। वर्ल्ड कप वगैरह खत्म हो गए हैं, इवेंट्स खत्म हो गए हैं, अब पाकिस्तान की क्रिकेट दोबारा स्टार्ट होने लगी है और पाकिस्तान जो है वर्ल्ड कप की एक नाकाम जो उनका सफ़र था उसके बाद जो है वो टेस्ट क्रिकेट से आगाज़ करने लगा है। 21 तारीख से रावलपिंडी में पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश का पहला टेस्ट मैच स्टार्ट होने लगा है और पाकिस्तान भरपूर तैयारियों में है और रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो प्रैक्टिस कर रही है। और मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं कजाफी स्टेडियम, जो कि कुछ दिनों के बाद जो है वो कजाफी स्टेडियम की ये शक्ल नहीं रहेगी, थोड़ी शक्ल चेंज हो जाएगी क्योंकि नया जो 3D मॉडल है वो अप्रूव हो चुके हैं और नया डिज़ाइन कराची स्टेडियम का आ रहा है। और इसी स्टेडियम के अंदर जो है वो बांग्लादेश की क्रिकेट टीम जो है वो प्रैक्टिस कर रही है और बांग्लादेश की क्रिकेट टीम जो है कल जो है रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का रुख करेगी, रावलपिंडी शहर का रुख करेगी, वहाँ पर जाके पाकिस्तान के साथ वो पहला टेस्ट मैच खेलेगी। पाकिस्तान ने इस साल 9 टेस्ट मैचेस खेलने हैं और 2 साल हैं उनमें पाकिस्तान ने 11 टेस्ट मैचेस खेलने हैं। इसका मतलब है कि सीजन 2024 और 25 में पाकिस्तान ने 9 टेस्ट मैचेस खेलने हैं और सीजन 25-26 में पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 टेस्ट मैचेस खेलने हैं, जो कि कोई बड़ा फिगर नहीं है। अब्दुल्ला शफीक हमारे टेस्ट क्रिकेट के जो ओपन बैट्समैन हैं उनका क्या कसूर है कि वो 9 टेस्ट मैचेस खेलने के बाद जो अगला साल पूरा 3 टेस्ट मैचेस का वेट करेंगे? तो ये ज्यादती है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करने के लिए मैं जो आज कॉन्टेंट जो शूट कर रहा हूँ वो उसका ये है कि सेकेंड टेस्ट मैच जो है वो कराची में होगा पाकिस्तान वर्सेज बांग्लादेश का, और कराची में एक बहुत बड़ी हमाकत हो गई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, और वो हमाकत ये हुई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि उन्होंने टिकट सेल कर दी और बाद में ये कहा कि स्टेडियम नो फैन जोन रहेगा और वहाँ पे कोई फैन जो है वो क्रिकेट देखने नहीं आ सकते, जबकि बहुत ज़्यादा तादाद में क्रिकेट जो टेस्ट मैच सेकेंड टेस्ट मैच की जो टिकट्स हैं वो सेल आउट हो चुकी हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आती है कि आप इतने प्रोफेशनल क्रिकेट बोर्ड हैं, दुनिया में आप रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप को, आपके इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, आपके इतने ज़्यादा आपको मतलब कि बहुत आप प्रोफेशनल क्रिकेट बोर्ड हैं, आप टॉप 5 क्रिकेट बोर्ड्स के अंदर आते हैं और आपसे ये हमाकतें हो रही हैं। ये छोटी छोटी वो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की क्रेडिबिलिटी को डाउन करती हैं, जो कि इमेज ख़राब करती हैं, जो कि प्लेयर्स का इमेज भी ख़राब करती हैं। वो कहते हैं कि जी हमारा सिस्टम ख़राब है, हमारी हर चीज़ भी ख़राब है। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पहले से पता होना चाहिए था कि अगर नो फैन जोन रखना था सेकंड टेस्ट मैच में तो टिकट क्यों सेल आउट की? टिकट की प्राइस भी कोई खास नहीं है, वीआईपी बॉक्स जो है वो 500 रुपए का, प्रीमियम जो है वो 800 रुपए की टिकट है और गैलरी जो है 2500 रुपए की है, और उसके बाद जो अगर आप स्पेशल जो उनके जो पैकेजेस हैं उसमें हॉस्पिटैलिटी बॉक्स है वो 2 लाख रुपये पर डे है, अगर 5 दिन का टेस्ट मैच है तो वो 8 लाख रुपये बनते हैं, और जो हॉस्पिटैलिटी प्लेटिनम शेयर बॉक्स है उसके अंदर 12,500 रुपये पर डे के हिसाब से टिकट की प्राइस है, जो कि अगर 5 दिन का टेस्ट मैच लगाएं तो 53,000 रुपीज़ बनते हैं। बात बिल्कुल ठीक है, आपने टिकट प्राइसेस भी शाया कर दी, आपने उनके वाउचर भी उन्होंने शाया कर दिए, लोगों ने टिकट्स खरीद भी नहीं, लेकिन क्या वजह है कि आपने नो फैन जोन बना दिया? नो फैन जोन बनाने की भी वजह मैं आप लोगों को बता देता हूँ, वो वजह ये है कि वहाँ पर स्टेडियम रेनोवेट हो रहा है इसलिए उन्होंने नो फैन जोन कर दिया सेकेंड टेस्ट मैच में। लेकिन इनको चाहिए था कि ये पहले बताते, ये पहले इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करते। यही मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि ये वही हरकतें हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की क्रेडिबिलिटी पर जब बात आ जाती है, और जब बात आती है वो इन्हीं हरकतों की वजह से आती है कि जी आपने टिकट सेल आउट कर दी, जो कि ऑब्वियसली बात इनको रिफंड करनी पड़ेगी बाद में, एक मुसीबत ले ली ना, बेसिकली एक मुसीबत ले ली अपने ऊपर कि अब रिफंड करनी पड़ेंगे टिकट्स, और लोग तमाशा करेंगे, लोग आपकी क्रेडिबिलिटी भी बात करेंगे, दुनिया के सामने क्या पैगाम जाता है जब पाकिस्तान हमारा जो बोर्ड है वो ऐसी हरकत करता है। अर्शन नदीम ने गोल्ड मेडल हासिल किया, आज का तो सोशल मीडिया में अर्शन नदीम है। तो अब पाकिस्तान क्रिकेट के जो प्लेयर्स हैं उनको भी चाहिए कि वो इस लेवल पे आएँ कि हम बाबर आजम रिजवान और शाहिन शाफरीदी करें। हमारे ये कैटेगरी प्लेयर्स हैं जो टेस्ट मैच में भरपूर तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आज का कॉन्टेंट बनाने का मकसद बेसिकली यही था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मेरी सजेशन है, प्लीज़ आपका इतना बड़ा अमल है और आप
इतनी बड़ी बड़ी हमाकतें जब करते हैं तो बड़ा बुरा इमेज जाता है क्रिकेट के ऊपर। और अल्टीमेटली ये जो प्रोफेशनल स्पोर्ट्स होती है ना, इसमें जो आपके बैक एंड पे हरकतें हो रही थी वो आपकी स्पोर्ट्स पे भी असर करती हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो इंटरनल जो अफेयर्स हैं, जो भी ये मामलात होते हैं, ये अल्टीमेटली आपके क्रिकेट पे भी असर करते हैं। तो खुदारा ये चीज़ें इनको सॉर्ट आउट रखा करें, ये आपका अच्छा इमेज नहीं जाता दुनिया के सामने। और पाकिस्तान ने इस साल जो है वो 9 टेस्ट मैचेस खेलने और अगले साल जो है वो 2 टेस्ट मैचेस खेलने, टोटल 11 टेस्ट मैचेस हैं 2 सालों के अंदर, जो कि कोई फिगर नहीं है। अब्दुल्ला शफीक, मैंने पहले भी इस वीडियो में शुरू में डिस्कस किया है कि अब्दुल्ला शफीक का क्या कसूर है कि वो अगले साल 2 टेस्ट मैचेस का सिर्फ वेट करेंगे, इतना बड़ा गैप उनकी परफॉर्मेंस में आ जाएगा फिर आप उससे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो परफॉर्म करके दिखाए, ऐसा नहीं होता। हमारे बाबर आजम, अब रेड बॉल क्रिकेट जो है वो वसीम अकरम ने, वकास यूनुस ने, शुएब अख्तर ने इतनी खेली, उन्होंने इतना अपना नाम बनाया कि उनको रेड बॉल क्रिकेट खिलाई एटलीस्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पर ईयरली 16 से कम 18 से 20 टेस्ट मैचेस का स्केड्यूल रेडी करना चाहिए, तब जाके हमारी क्रिकेट जो बेहतर होगी। क्योंकि टेस्ट मैच ही एक असल क्रिकेट है जो कि बहुत वाइड एंगल पर रख के खेली जाती है, 5 दिन का टेस्ट मैच होता है जिसमें आपका स्टेमिना, आपका टेम्परामेंट, आपकी इंडोरेंस, आपकी एजिलिटी, सब कुछ, आपकी ए टू जी सब चीज़ें चेक हो रही होती हैं। तो खुदारा ये जो आपने स्केड्यूल जो आप करते हैं, आई नो मॉडर्न क्रिकेट बड़ी शॉर्ट हो गई है, शॉर्ट फॉर्मेट हो गया, जल्दी जल्दी लोग देखना पसंद करते हैं, T20 क्रिकेट ने बहुत बड़े स्केल पे जो है वो कब्जा कर लिया हुआ है, लेकिन T20 का प्लेयर और टेस्ट क्रिकेट का प्लेयर में बड़ा फ़र्क होता है। बहुत शुक्रिया।